लोग, मैं उत्कर्ष एफएफ एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो यार ये देख सकते हो मैं अभी स्क्वाड में हूँ, मैच स्टार्ट हो चुका है एंड देख सकते हो मेरी स्क्वाड में कौन है। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर प्लेयर हैं जो कि अभी ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे हैं। सो उनके साथ मैं आपको स्क्वाड रैंक पुशिंग करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको स्क्वाड में पुश करना चाहिए, बेस्ट वे क्या होता है, ठीक है। एंड हाँ गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो ग्रैंड मास्टर प्लेयर होते हैं वो ड्रम डैमेज क्यों लेते हैं एंड ड्रम डैमेज हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड हाँ, इस वीडियो में मैं आपको लैंडिंग कैसे करना है वो बताने वाला हूँ एंड आपको कैसे फाइट्स लेने हैं, कैसे जोन को कैप्चर करना है एंड लास्ट जोन में फाइट को कैसे जीत करके आप बूया लेना है। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो यार वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर, क्योंकि जितने भी ग्रैंड मास्टर प्लेयर होते हैं ना वो एक अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ना वो हर एक मैच को आराम से निकाल सकते हैं सर्वाइव करके या फिर फाइट लेके, ठीक है। तो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आपको सबसे पहले लगाना है के कैरेक्टर, उसके बाद मैक्सिम लगा लेना एंड देन आपको मीशा कैरेक्टर लगाना है। ये तीन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये लगा के रखना है। एंड चौथा कैरेक्टर आप कुछ भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे हयातो लगाया है। लोड आउट में आपको बोन फायर तो ले ही जाना है एंड आप चाहो तो स्कैनर ले जाओ, वरना आप कुछ और भी ले जा सकते हो, बट बोन फायर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम बात करते हैं मैच के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले लैंडिंग की, कि हमें लैंडिंग कहाँ करना चाहिए। तो यार लैंडिंग के लिए मैं सिंपल सा एक ही चीज़ बताता हूँ, लास्ट में उतरने का ट्राई करो, क्योंकि जब आप लास्ट में उतरते हो ना तब आपके साथ एक ऐसी स्क्वाड आ रही होती है जो कि खुद सर्वाइव करती है, पुश कर रही है, ठीक है। तो उसे मारना आपको बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। सो जब आप लैंड कर जाओ ना, लैंड आपको एक साथ ही नहीं करना है, आपको अलग अलग घर में उतरना है, जिससे कि आपको एक अच्छे से प्रॉपर लूट मिल जाए लाइक गन वगैरह। एंड उतरते ही आपको सबसे पहले गन फाइंड करनी है, क्योंकि एनिमीज ना कहीं से भी आ जाते हैं स्क्वाड में, ठीक है। सो एक दो बंदा भी अगर आ जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो सबसे पहले गन उठाओ एंड बी अलर्ट ऑफ एनिमी। अगर आप एनिमी के लिए अलर्ट रहोगे ना तब आपको कहीं पे भी अगर कोई बंदा सरप्राइज अटैक भी देगा ना तब भी आप बच जाओगे एंड उस बंदे को मार लोगे। सो ये चीज़ों को ध्यान रखना है एंड इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको फटाफट से लूट करना है। सो गाइज अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको अलर्ट रहना है हमेशा, क्योंकि एनिमी कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये देखो अभी हमारे साथ यही सीन होता है, एनिमी आ जाते हैं अचानक से एंड भाई मेरे एक टीममेट को ना बहुत ही तगड़ा डैमेज देते हैं। तो यहाँ पर मैं उन्हें कवर देता हूँ, सब कुछ छोड़ के लूट करना बंद करके मैं सबसे पहले कवर देता हूँ, जिससे कि मेरा एक किल भी निकल जाता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको किल करना है, आपको ये सोचना है कि मेरे सारे टीममेट अलाइव रहें, ठीक है। अगर आप ये सोच के फाइट लोगे तब आपके किल भी निकलेंगे एंड साथ ही साथ आपके सारे टीममेट रिवाइव भी रहेंगे, ठीक है। एंड अगर आपके चारों टीममेट रिवाइव रहेंगे तो भाई आपका ही फायदा है, क्योंकि आप चार बंदे जब एक भी स्क्वाड के ऊपर मारोगे ना भाई स्क्वाड सामने वाली खत्म ही होनी है। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि आपको फाइट कैसे लेनी है स्टार्टिंग के एंड आपको लूट कैसे करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रम डैमेज के बारे में। तो ड्रम डैमेज क्या नूब लोग लेते हैं, क्या प्रो लोग लेते हैं, या फिर ये सही है या गलत है, सारा कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूँ एंड अभी ही बताने वाला हूँ। तो चलो बात करते हैं ड्रम डैमेज के बारे में। सो गाइस जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अल्पाइन मैप में, ये ब्लू विला के बगल में। यहाँ पे बहुत सारे ड्रम रहते हैं। तो यहाँ पे ये बंदा मेरे को बुलाता है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड जाने के बाद ये मेरे को बताता है कि यहाँ पे ड्रम है, ड्रम डैमेज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी वेस्ट निकालता हूँ, क्योंकि देखो अभी बंदे भी आ रहे हैं तो हम सबसे पहले अपना वेस्ट निकाल देंगे। एंड वेस्ट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो जब हमारे ऊपर ड्रम फूटता है ना तब हमारी वेस्ट ही हमें बचाने का ट्राई करती है, जिसकी वजह से हमारी वेस्ट डैमेज हो जाती है। सो इसलिए हम लोग वेस्ट का उतार देते हैं, ठीक है। सो ये देखो अभी मेरे को डैमेज दे दिया एंड यहाँ पे हम दो नॉक हो गए एंड दो बंदे मिलके रिवाइव दे रहे हैं। सो यार ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा गाइज इसलिए करते हैं क्योंकि देखो उनको ये नहीं लगता कि वो किल कर सकते हैं। लाइक आपको ना जब भी आपको रैंक पुश करना है तो आपको जाहिर सी बात है आप ये चाहोगे कि हमारा फुल प्लस मिले, ठीक है। एंड कभी कभार ऐसा सीन हो जाता है कि आपको फुल प्लस नहीं मिलता, क्योंकि आपके डैमेज नहीं होते। आपको पता ही होगा रैंक स्कोर और बैटल स्कोर जुड़ता है, तो सारे जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो रैंक स्कोर मेंटेन कर लेते हैं, बट वो डैमेज बैटल स्कोर नहीं मेंटेन कर पाते। इसलिए वो ड्रम डैमेज लेते हैं ताकि हमारा डैमेज 2000 के ऊपर रहे, जिससे कि हमारा फुल प्लस मिल जाए। एंड हम लोग ड्रम डैमेज इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें अपने आप पे भरोसा रहता है कि हम लोग मैच ख़त्म होने तक हम लोग 6 किल कर लेंगे, 2000 डैमेज कर लेंगे। सो ये चीज़ होता है, इसलिए ड्रम डैमेज लेते हैं। तो यार ये ना तो अच्छी बात है और ना तो बुरी ही बात है, क्योंकि अच्छी बात भी नहीं है। अगर तुम किल ही नहीं कर सकते तो भाई खेल क्यों रहे हो, एंड अगर तुम्हें किल नहीं मिल रहा है तो भाई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि किल ही नहीं मिलेगा तो भाई तुमको तो डैमेज चाहिए ही होगा। सो ये चीज़ होता है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं सर्वाइव के बारे में। तो यार यहाँ पे देख सकते हो मेरे को मिल गई है बाइक, एंड अब मैं बिल्कुल ही सेफ हूँ। अब मैं पूरा बाइक घुमाऊंगा एंड मेरे पे टोकन भी है जिससे कि मैं बंदों को भी अपने रिवाइव दे सकता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो सामने एक बंदा रिवाइव दे रहा है, तो इसको निपटा देंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको ना चारों बंदों के पास टोकन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर चारों बंदों के पास टोकन होगा ना, तब आप बेफिक्र कहीं पर भी जा सकते हो बाइक से एंड किल कर सकते हो। सो ये चीज़ अभी मैं करूँगा एंड आपको भी यही करना है। सो गाइस देखो, आपको ना जब भी आप बाइक चला रहे हो, मतलब सर्वाइव करते टाइम अपने बाइक का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया एंड आप पूरे मैच में बाइक घुमा रहे हो, एक तरह से सर्वाइव ही कर रहे हो, ठीक है। बट जब आप बाइक घुमाओ ना, ट्राई करो कि आप अपनी स्क्वाड के आसपास ही रहो, जैसा कि मैं अभी हूँ, ठीक है। एंड आपको फाइट तब लेनी है जब आपका टॉप 20 बंदे अलाइव हो। तो यार यहाँ पर मेरे पास बाइक होती है एंड बाइक से देखो मैं कैसे इस बंदे को मारूंगा, ठीक है। सो इसको अभी मैं यहाँ पर ठोकता हूँ एंड फिर इसे ठोकता हूँ एंड देख सकते हो मेरे 3 बंदे मेरे को पीछे से कवर दे रहे हैं, जिससे कि अभी ये जो मेरे को पीछे से मार रहा था ना, ये डैमेज हो जाएगा एंड नॉक भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने इसे नॉक किया, कंफर्म किया एंड अब देखो यहाँ पे हील करूँगा, बाइक घुमाऊँगा एंड अगर आप सामने कोई और देखोगे ना, तो वहाँ पे बंदा नॉक मिलेगा। सो ये चीज़ होता है आपका फायर पावर। देखो टॉप 20 बंदे जब अलाइव रहते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ही कम बंदे मिलेंगे एंड जो भी बंदे मिलेंगे ना, उन्हें आप ईजिली मार सकते हो। सो ये चीज़ होती है आपका लास्ट जोन की फाइट, यानी कि किल निकालना। सो अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ना कभी भी सोलो में कभी भी किसी के ऊपर रश मत कर देना। मतलब आपको बता देना है कि हाँ भाई यहाँ पे बंदे हैं, जल्दी से आ जाओ, ठीक है। वरना आपके साथ यही होगा जो अभी मेरे टीममेट के साथ हुआ, नॉक हुआ एंड फिनिश हो गया। एंड यही चीज़ मेरे साथ भी होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं अकेले जाता हूँ, मेरे को लगता है एक बंदा है, क्योंकि वो बंदा बोलता भी नहीं कितने बंदे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं बाइक मतलब खड़ा करूँगा एंड इसके ऊपर धप्पा दे दूँगा एंड भाई इसको तो नॉक कर देता हूँ, बट मेरे को पता ही नहीं रहता एंड यहाँ पर मेरे को दूसरा बंदा आके नॉक कर देता है। सो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, कभी भी अकेले किसी के ऊपर रश नहीं करना है, वरना आपका यही हाल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टीममेट जो है जाके रिवाइव दे देता है। मैं यहाँ पे बेफिक्र इसलिए था क्योंकि मेरे सारे टीममेट्स के पास अच्छा खासा टोकन था एंड ये देखो हमारे ग्रैंड मास्टर के प्लेयर भैया जा रहे हैं रिवाइव देने। सो गाइज यहाँ पे हमें ना ये बंदा रिवाइव दे देता है एंड यहाँ पे मैं लैंड कर चुका हूँ एंड अभी बच रहे हैं 3 बंदे, ठीक है। 4 हम, सामने 3 बंदे। तो यार ये चारों ना, मतलब ये तीनों मिलके 3 को ख़त्म कर देते हैं एंड यहाँ पे मेरे 6 किल हो चुके हैं ऑलरेडी। सो यार दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अब हमें फुल प्लस मिलेगा। एंड आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हो ना, तब आपको हमेशा से ट्राई करना है कि 6 किल प्लस बुया निकालो, क्योंकि इसी में ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्लस होगा, फुल्ली प्लस होगा, वरना आपका फुल प्लस नहीं होगा। तो यार देखो यही सब सीन है, 7 5 35, 7 6 46 एंड यहाँ पे 10+ आपका रैंक का मिलता है, ठीक है। सो ये चीज़ होता है। सो बस गाइज इतनी सी ही टिप्स एंड ट्रिक्स थी, जो कि आपको स्क्वाड में रैंक पुशिंग करने में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। एंड बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को सपोर्ट करो, शेयर करो अपने हर एक टीममेट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।